आए विद्यार्थी, देखते हैं क्वेश्चन और आपके सामने है। देखिए सवाल कैसा है, थोड़ा सा अलग क्या है, कह रहा है कि वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक की दर से, यानी 365 दिन का वर्ष है, की दर से साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपया प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर लेगी। अच्छा बताओ, 2 रुपया प्रतिदिन अगर अर्जित करेगी तो 365 दिन में कितना रुपया हो जाना चाहिए? 365 को अगर 2-2 रुपया रोज मिलेगा कितना हो जाएगा? 2×5=10, 730 रुपये चाहिए ना? अब 730 रुपया ब्याज चाहिए, दर हमारे सामने है 5%, ये ब्याज है, और समय कितना है? 1 साल का। क्या आप मूलधन के बारे में सोच सकते हैं? क्या आपको पता है पी बराबर क्या होता है? SI × 100/R×T। SI कितना है? 730, आर कितना है? 5, और टी कितना है? 1। काट दीजिए, कौन सा काट दें? 5×5, 5×20, 14,200। यानी अगर 14,200 रुपया जमा किया जाता, आंसर में देख लीजिए, 14,200 दिख नहीं रहा है, 14,700, फिर से चेक करता हूँ, 365 दिन है, 2×5=10, 730, 5×5, 2×5=23, 5×20, 5×20। जी देखिए, तो अब हम इसको काटेंगे तो 5×5, 5×20, 5×30, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कितना? फिर से देखिए, तो अगर हम इस वैल्यू पर रखें क्वेश्चन को तो कैसे हो जाएगा? SI बराबर हो जाएगा 730×100 / मूलधन, दर कितना है? 5%, और समय कितना? 1 साल। इसको अगर हम इससे काटते हैं कितना हो जाएगा? 14,600। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितने आसानी से ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जितने सवाल हमने किए थे तो हो गए, कुछ पुराने सवाल बचे होंगे, उन पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।